हेलो गाइस, आज हम क्लास 7 का चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे जिसका हेडिंग है इवोन। तो इवोन क्या है, किसका नाम है या फिर कई जगह है कुछ, इसके बारे में हमें चैप्टर में मालूम चलेगा। तो चलिए चैप्टर के वार्मर को पहले पढ़ लेते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है वार्मर का, डू यू एवर फाइंड पीपल क्वारलिंग इन योर नेबरहुड। यहाँ बताया है कि आप कभी लोगों को अपने पड़ोस में झगड़ते हुए देखे हैं। व्हाट डू पीपल क्वारल ओवर, तो लोग किसके ऊपर किस बातों को लेकर झगड़ते हैं। हाउ डू दीज क्वारल्स अफेक्ट योर लाइफ, ये लड़ाई झगड़ा आपके जीवन को किस तरह प्रभावित करता है ये भी बताना है। हाउ आर दीज क्वारल्स रिजॉल्व्ड फाइनली, और अंततः ये लड़ाई किस तरह से शांत होते हैं, किस तरह से ख़त्म होते हैं ये भी बताना है। यही हमारा वार्मर था। अब हम चैप्टर में पढ़ेंगे। चैप्टर यहाँ से स्टार्ट है। इवेन वाज अ फार्मर, इवेन एक फार्मर है, इवेन नाम का कोई व्यक्ति है जो एक किसान है। हु लिव्ड इन अ विलेज, जो एक गांव में रहता था, इन रूसिया, और उसका गांव जो है रूस में है। तो रूस के एक छोटे से गांव में इवेन नाम का कोई फार्मर रहता था। ही वाज रिच, वह अमीर किसान था। ही हैड थ्री सन्स, उसके तीन बेटे थे। हु वर लेबोरियस, और तीनों ही बहुत ही ज़्यादा मेहनती थे। His father was old and sick, उसके पिताजी बीमार हो गए, अर्थात इवेन बीमार हो गए। गैब्रियल वॉज हिज नेवर, और गैब्रियल जो था उसके पड़ोसी था, इवेन का पड़ोसी था। फिर आगे है, दे वर गुड नेबर्स, थे वे दोनों अच्छे पड़ोसी थे। दे वर हैप्पी एंड कम्फर्टेबल विथ ईच अदर, वे दोनों ही एक दूसरे से खुश थे और कम्फर्टेबल थे, मतलब दोनों को किसी बात से कोई भी नोकझोंक नहीं होती थी। इवेन हैड सम हेंस, इवेन को कुछ मुर्गियां थी। वन डे, एक दिन, ए हैन फ्लू अक्रॉस द फेंस, शी लेड एन एग इन गैब्रियल्स हाउस। एक दिन इवेन की मुर्गी उसके चार दीवारी को तरफ कर उसके पड़ोसी के घर में, जिसका नाम है गैब्रियल, उसके घर में जाकर वहां एक अंडा दे दी। इवेन्स डाउटर, इवेन की जो डाउटर इन लॉ है, डाउटर इन लॉ मीन्स पुताहु, वेंट टू हिज हाउस टू इंक्वायर इन टू द मैटर, वह पड़ोसी के घर अर्थात गैब्रियल के घर जाकर इस बात का पता लगाने गई कि मुर्गी का अंडा कहाँ है या दिया है कि नहीं दिया है। गैब्रियल्स मदर रिप्लाइड र्यूडली, तो गैब्रियल की जो माँ है वो रूडली मतलब क्रूरता से जवाब देती है, इट लेड टू अ क्वारल सून, और जल्द ही यह बात एक झगड़ा का रूप ले लिया। इवेन गैब्रियल एंड देयर वाइफ्स स्टार्टेड क्वारलिंग, अब क्या हुआ यहाँ, इवेन और गैब्रियल और उनकी पत्नियाँ सभी आपस में झगड़ा करना शुरू कर दिए। देयर नेबर्स हैड टू इंटरवेन्यू टू पेसिफाई देम, उनके जो पड़ोसी थे वे उन्हें शांत करने की कोशिश किए। आगे हैं, बट लेकिन देयर क्वारल डिड नॉट स्टॉप, उनकी झगड़ा समाप्त नहीं हुई। इवेन अपरूटेड गैब्रियल्स बियर्ड, इवेन जो था वो गैब्रियल की दाढ़ी उखाड़ लिया। गैब्रियल वेंट टू कोर्ट बाय बस, बट इवेन वेंट देयर बाय ट्रेन, गैब्रियल जो था दाढ़ी उखाड़ने के बाद कोर्ट चला गया बस से और इवेन कोर्ट चला गया ट्रेन से। फिर आगे है, दे बोथ फील्ड अ केस, और दोनों ही एक दूसरा के ऊपर एक केस कर दिया। द हियरिंग प्रोलॉन्ग्ड, इट रियूंड देम फाइनेंशियली, अब हियरिंग जो था कोर्ट की जो सुनवाई थी वो प्रोलॉन्ग्ड बहुत ही लंबे समय तक चली। इट रियूंड देम फाइनेंशियली, और दोनों को ही आर्थिक रूप से बहुत ही ज़्यादा कमजोर कर दिया। दे हैड नो पीस, और उनको इस बात से थोड़ा भी शांति नहीं मिला। दे वर नोट हैप्पी नाउ, वे लोग अब खुश नहीं थे। इवेन्स फादर हु वॉज ओल्ड एंड वाइज डिड नॉट लाइक इट, इवेन के पिताजी जो बूढ़ा थे और बीमार थे वे तो बुद्धिमान थे इसलिए उन्हें ये सारी बातें पसंद नहीं आ रही थी। ही आस्क्ड देम टू फॉरगिव इच अदर एंड फॉरगेट द ओल्ड डिस्प्यूट, अब उसके बूढ़े पिताजी दोनों से चाहते थे कि ये बात को भूल जाकर और इसे इस बातों को दबा दिया जाए और दोनों फिर से साथ हो जाए। ही आस्क्ड देम, वे उनसे पूछते हैं, वाई आर यू
क्वारलिंग ओवर एन एग, आप लोग एक अंडे को लेकर क्यों झगड़ा कर रहे हैं? व्हाट्स इट्स वैल्यू, इसकी क्या कीमत है जिसके लिए आप इतना बड़ा तमाशा लगाए हुए हैं? हैट्रिट ब्रीड्स हैट्रिट, यहाँ पे बताया गया है नफरत करते रहिएगा तो ये झगड़ा कभी भी समाप्त नहीं होगा, नफरत से नफरत ही बढ़ता है। इन एंगर यू डोंट नो व्हाट यू आर सेइंग एंड डूइंग, इन एंगर यहाँ बताया गया है कि गुस्से में यू डोंट नो, आप नहीं जानते हैं कि व्हाट यू आर सेइंग, आप क्या कह रहे होते हैं, एंड डूइंग आप क्या कर रहे होते हैं, ऐसा आपको पता नहीं रहता है जब आप गुस्से में होते हैं। यू लूज योर पेशेंस एंड विजडम, आप अपनी पेशेंस और बुद्धिमानी, सोचने की क्षमता और ध्यान रखने की क्षमता खो देते हैं गुस्से में। इट समटाइम्स लीड्स टू डिस्ट्रैक्शंस, और कभी कभी यह डिस्ट्रैक्शंस मीन्स दिमाग को दूसरे दिशाओं में भटकाने में मदद कर देता है। फिर आगे है द ओल्ड मैंस एडवाइस वर्क्ड, अब उस बूढ़े व्यक्ति की जो सलाह थी वह काम किया। इवेन एंड गैब्रियल वर रिकनसाइल्ड, इवेन और गैब्रियल जो थे वे एक दूसरे से फिर से मेल मिलाप से रहने लगे। दे बिगेन टू लिव टूगेदर इन पीस वंस अगेन, वे एक बार फिर से एक दूसरे के साथ शांतिपूर्वक रहने लगे। दे वर वेरी हैप्पी नाउ, अब वे दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा खुश थे। यही हो जाता है हमारा चैप्टर समाप्त। अगर आपको इस चैप्टर की क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आप कमेंट करके बताइए। तब तक के लिए थैंक्स, टेक केयर एंड गुड बाय।